और ये देखे इनको भी आज पहली बार नहला दिए, साफ साफ सफाई कर रहे हैं खुद से, ये बड़े भी हो गए हम तो। इनकी देखें सफाई चलती रहती है, 2 घंटे से सफाई कर रहे हैं और ये ऊपर चढ़ के आ गए। सफाई करो जल्दी से अपनी सफाई। और ये देखें एक साथ बैठ गए, तुम दोनों कर क्या रहे हो? तो खाना वाना यहाँ पे दोपहर का रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे मम्मा ये क्या बनाया? मम्मा आलू है और ये तोरी। आलू नहीं लग रहा आज, ये कुछ डिफरेंट लग रहा है, स्वीट पोटैटो। तो खाना वाना यहाँ पे दोपहर का रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे तोराई और साथ में शक्कर कंदी, काफी टाइम के बाद शक्कर कंदी नजर आई है। हाँ और यहाँ पे पकौड़े बना रही है, इसके क्या कहते हैं नारियल के। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ, शुक्र है खुदा का। हाँ भाई है ना, ये क्या बनी हुई है? हाँ हाँ भाई है ना, कहाँ जा रहे हैं? अच्छा आज उनकी बर्थडे, चलो जी। तो यहाँ पे पिंकी आपी की बर्थडे, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन, थैंक यू। और यहाँ पे शूटिंग चल रही है इस वक्त। तो बस शूटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, बस हम जा रहे हैं ऊपर किचन को। यहाँ पे हम लोग दोबारा से रेनोवेट कर रहे हैं, चीज़ें यहाँ से हटा दी हैं और कुछ चीज़ें यहाँ से मूव कर दी हैं, और यहाँ पे लाइट्स भी लगा दी हैं। अच्छी लग रही है लाइट्स तो वैसे। हाँ बस यही मसला होगा अगर रात में किसी को ये काम करना होगा ना माइक्रोवेव का, फिर शायद लाइट हटानी पड़ेगी, लेकिन अच्छा लग रहा है किचन वैसे। इधर भी देखें कितना सामान है। और आज क्या बना रही है मम्मा खाने में? आज कुछ नहीं बना रही, आज खाने की छुट्टी। खाने की क्यों छुट्टी? कैसे ऐसे कैसे छुट्टी करेंगे हम? चले देख लें, मुझे तो यहाँ पे बंस नजर आ रहे हैं। सही है, बर्गर बन रहे हैं, सही है, समझ गया। साफ हो गया बिल्कुल, किचन को टाइम देना पड़ता है खाना पकते तो। बिल्कुल साफ होना भी हम ऊपर आ गए थे, और आने के बाद अनाया जो है सो गई थी, उसकी तबीयत अभी इतनी वो रिकवर नहीं हुई है, कुछ बेहतर है तो बस एग्जॉस्ट हो जाती है, क्योंकि सुबह ज़रा अर्ली मॉर्निंग में उठती है, तो अभी 10 भी नहीं बजे और वो काफ़ी देर हुई सोई भी है। तो खाने के लिए मैं उसको उठाऊँगी, क्योंकि आज दोपहर में भी उसने कुछ खाया नहीं खास। तो बस हमने किया है किचन को साफ, और कुछ चीज़ों को हमने कल पे छोड़ दिया है, और कुछ हमने कहा थोड़ा सा किचन का लुक सही करें। और यहाँ अहमद मेरी हेल्प कर रहा है, अहमद आलू मुझे पील करके दे रहा है फ्राइज़ के लिए, और साथ बस हम चिकन पैटी बनाएंगे, बर्गर्स बनाएंगे आज, क्योंकि आज दोपहर में मैंने आलू गोभी बनाई, साथ दाल चावल बनाई, प्लस मैंने सारे कपड़े भी धोए और पॉन्ड भी साफ़ किया। जुहेब ने भी खैर हेल्प की, जुहेब ने सारी फिशेज आज निकाली, और ये वाला एक्वेरियम जो है हमारा ये मैंने कल पे डाल दिया है, कल मैं इसको इंशाल्लाह सुबह साफ़ करूँगी, इसके मैंने स्टोन्स वगैरह भी धो के रखे हुए हैं, और ये कुछ स्टोन्स यहाँ पे रखे हुए हैं, ये मुझे अपनी फ्रेंड को भिजवाने, उसको फिशेस तो भेज दी थी, स्टोन रह गए थे, तो अब रात रात में चक्कर लगेगा तो मैं भिजवा दूँगी। तो किचन का लुक ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है, और किचन साफ़ सुथरा लग रहा है, तो अपने किचन को जो है थोड़ा साफ़ सुथरा रखा करें, और ऐसा रखा करें कि बस बंदे का दिल चाहे कुछ पकाने के लिए, क्योंकि जितनी जगह साफ़ सुथरी होगी उतना ज़रा काम करने में आसानी होती है। तो मसालों के सारे जार्स मैंने इस साइड पे रख दिए हैं, क्योंकि वहाँ से काफ़ी दूर पड़ता था, और वो काउंटर जो है उसके ऊपर बहुत क्राउड हो गया था, इसलिए इसको यहाँ पे कर दिया है, और ये यहाँ बेटर भी लग रही है एक साइड के ऊपर। बैक साइड पर मैंने इसके एक लैम्प रख दिया है, सामने फ्लावर है, नीचे एक ट्रे है, एश ट्रे है,
और यहाँ पे क्योंकि मैं किचन पे समटाइम्स रील्स वगैरह बना रही होती हूँ जब खाना बनाती हूँ तो मुझे लाइट की ज़रूरत होती है, तो बस खाना बनाते हैं। और क्योंकि देर हो गई है काफ़ी, और तकरीबन बज रहे हैं 10:10 हो गए हैं यहाँ पर, और अभी भी यहाँ काफ़ी चीज़ें पड़ी हैं क्योंकि टमाटो वगैरह मैंने अभी रखने हैं फ्रिज के अंदर, तो सारी चीज़ें हमने उठाई नहीं थी और यहाँ रखी हुई थी। और ये इस तरह की जितनी भी डॉल्स हैं ना वो सब मैंने काबू करके रखी हैं, और नाया को मैंने ही देती और इसको मैंने यहाँ बैठा दिया। ये बिल्कुल यहाँ सेट लग रही है, सूट भी कर रही है इसके साथ, लेकिन पता नहीं इसको क्या मसला है, अब एडजस्ट हो गया क्योंकि ऊपर से चम्मच मारते हैं इनको और ये साइड पर हो जाता है, तो अभी सही है। थोड़े से ज़रा मोटे मोटे रखना है फैट फ्राइज की तरह ना, इतना एक कर्ली फ्राइज होते थे वहाँ के हालीस के, बहुत मज़े के होते थे। तो नहीं मिलते ना? नहीं, उसका कटल आता है तो आपको नहीं, वैसे नहीं मिलते हैं इतने, वैसे वहाँ पे मिलते हैं हालीस पे तो मिलते हैं। हाँ जब जाएंगे तो खाएंगे इस बार कर्ली फ्राइज वहाँ। आज सुबह ही सुबह मैंने न्यूज़ देखी, क्वेटा के अंदर ब्लास्ट हुआ है और तकरीबन 26 लोग जो है उनकी डेथ हो गई और 40 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी थे। बहुत अफसोस हुआ देखकर, क्योंकि सुबह ही सुबह ऐसी खबरें देखकर दिल ख़राब होता है, और मोस्टली होता यही है कि मैं जब भी मेरी आँख खुलती है सबसे पहले मैं अपना फ़ोन चेक करती हूँ, तो आज सुबह सुबह ये न्यूज़ सुनी। और क्वेटा हमेशा से बड़ा बदनसीब रहा है इस मामले में, और क्वेटा को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी गई कभी भी, जबकि वहाँ पे हमारे जितने भी पठान भाई हैं वो सारे, समझ लें आप जितना कराची का जो जितना पॉश एरिया है DHA क्लिफ्टन, इसकी जितनी भी कंस्ट्रक्शन है या आपके जितनी भी इसकी रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारे हमारे क्वेटा के जितने भाई हैं उन्होंने ही बनाया है। लेकिन बस क्वेटा इतना बदनसीब है कि क्वेटा के अंदर डेवलपमेंट तो होती नहीं है कोई, ना कोई कंस्ट्रक्शन होती है इस तरह की, और इस तरह के हादसा होते रहते हैं। फ्राइज भी बन गए हैं अभी तो, फ्राइड अभी तो आपने थोड़े से डाले फ्राइज, तो और भी बनाएंगे ना। बर्गर्स यहाँ पे रेडी हो गए हैं, बस अब उनको माइक्रोवेव करना है, चीज़ डल रही है इसके अंदर, मुझे इंतज़ार कर रहा है खाने का। खाना यहाँ पे बस रेडी हो गया, खाना खाने लगे हैं और बर्गर्स भी बन चुके हैं, साथ में चीज़ भी डाल दी है इसमें, मेल्ट हो गई है। Yes, ma'am.